नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 15 सितंबर, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इन शहरों के स्टेशनों और बस स्टैंड पर दिखाई देने लगी है बिहार पर्यटन की झलक। राजद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की अधिसूचना हुई जारी। इन चार जिलों में बनेगी 28 सड़कें और 13 पुल। बिहार के सैकड़ों तालाब का होगा जीर्णोद्धार। बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीआईएसएफ ने इन पदों पर 540 रिक्तियों के लिए निकाली भर्ती अधिसूचना। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के कुल मिलाकर 540 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 10+2 पास होना जरूरी है। इसके साथ ही निर्धारित हाइट, वेट, चेस्ट और आई साइट होनी चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की तारीख 26 सितंबर से 25 अक्टूबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.cisf.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शिल्पा सिंह की। शिल्पा सिंह एक भारतीय गायिका, डांसर, मॉडल और सौंदर्य प्रतियोगिता टाइटल होल्डर हैं। वह IMG मिस यूनिवर्स इंडिया 2012 में रनर अप भी रही थी। उन्होंने लास वेगास में मिस यूनिवर्स 2012 प्रेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 9.6 out of 10 के स्कोर के साथ साक्षात्कार प्रारंभिक प्रतियोगिता में शीर्ष पर रहने के बाद सेमीफाइनलिस्ट में से एक बन गई। शिल्पा सिंह ने 2019 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से ग्रेजुएशन किया था और फिलहाल गूगल के साथ काम करती हैं। शिल्पा बिहार के समस्तीपुर जिले से ताल्लुक रखती हैं। मुख्यमंत्री ने DGP SK सिंघल को किया तलब। बेगूसराय शूटआउट मामले में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्टिव हो गया है। पुलिस प्रशासन चारों तरफ हाथ पैर मार रहा है। मामले पर राजनीति भी जमकर हो रही है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन DGP SK सिंघल को तलब किया। वहीं दूसरी तरफ बेगूसराय शूटआउट मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते दिन मोबाइल टीम के साथ प्रभारी को सस्पेंड किया गया। पुलिस लगातार मामले की जाँच में जुटी हुई है। इन शहरों के स्टेशनों और बस स्टैंड पर दिखाई देने लगी है बिहार पर्यटन की झलक। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बिहार के पर्यटक स्थलों पर तमाम इंतजाम के साथ ही अब बिहार सरकार बिहार के पर्यटन स्थलों के विज्ञापन पर भी जोर लगा रही है। बिहार में घूमने के लिए देश विदेश से पर्यटक पहुंचे, इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा दिल्ली और मुंबई सहित अन्य राज्यों में बिहार की पर्यटन स्थलों की झलकियां दिखाई जाएंगी। फिलहाल दिल्ली मेट्रो में इसकी शुरुआत की गई है। पहले चरण में पर्यटन विभाग ने दिल्ली और मुंबई के कई रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप को चिन्हित किया है। इसके साथ देश के बड़े शहरों में जल्द ही बिहार के सभी नए पुराने पर्यटन क्षेत्रों का प्रसारण इंटरनेट के माध्यम से किया जाएगा। राजद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की अधिसूचना हुई जारी। राष्ट्रीय जनता दल में जिला स्तर तक सभी इकाइयों का चुनाव चल रहा है, जो कि आगामी 16 सितंबर तक संपन्न हो जाएगा। इसके बाद 17 सितंबर को सभी राज्यों के राज्य कार्यालयों में राज्य परिषद के सदस्यों की लिस्ट का प्रकाशन कर दिया जाएगा। पार्टी के सहायक राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन ने बताया कि 18 सितंबर को जुड़े आपत्ति प्राप्त की जाएगी और उसी दिन उसका निराकरण कर राज्य परिषद के सदस्यों की सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। 21 सितंबर 2022 को राजद के नवनिर्वाचित राज्य परिषद की बैठक राज्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में होगी और जरूरत पड़ने पर प्रदेश अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए 3 बजे तक मतदान कार्य होंगे और 3 बजे से 5 बजे तक काउंटिंग होगी और रिजल्ट जारी किया जाएगा। नालंदा डेयरी ने गुजरात के अमूल डेयरी को पीछे कर पाया पहला स्थान। बिहार के नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित नालंदा डेयरी देश में कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम यानी CAS मार्क पाने वाला पहला डेयरी बन गया है और इसी के साथ नालंदा डेयरी ने गुणवत्ता के मामले में गुजरात के अमूल डेयरी को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल बीते दिन नालंदा डेयरी के CEO प्रमोद कुमार सिन्हा ने बीते दिन बताया कि दूध की गुणवत्ता में अव्वल आने पर ही भारत सरकार ने यह मार्क दिया है। नालंदा डेयरी प्रोडक्शन सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेशन एवं प्रोसेस सर्टिफिकेशन दोनों का समावेश किया गया है। आपको बताते चले कि भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी डेयरी को CAS मार्क लेना अनिवार्य है। नालंदा डेयरी के प्रोडक्ट बिहार, झारखंड के अलावा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सहित लगभग सभी राज्यों में सप्लाई होती है और अब बहुत जल्द ही विदेशों में भी भेजी जा सकती है। इस साल के अंत तक बिहार में चार पहिया वाहन की खरीद में बन सकता है रिकॉर्ड। फोर व्हीलर की बिक्री में बिहार रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल इस साल 2022 में 31 अगस्त तक 56,000 से अधिक चार पहिया वाहन राज्य में बिके हैं। यह अब तक का रिकॉर्ड तोड़ सेल है। परिवहन विभाग के अनुसार गाड़ियों की खरीदारी करने वाले लोगों में कार के प्रति दिलचस्पी बढ़ी है। नतीजतन पिछले 7-8 साल में चार पहिया वाहनों की बिक्री में दोगुना से अधिक वृद्धि हुई है। दिसंबर तक वाहनों की बिक्री की यह रफ्तार जारी रही तो इस साल कारों की बिक्री का पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड टूट सकता है। जगदीशपुर फोर्ट इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है जगदीशपुर फोर्ट। जगदीशपुर का किला बिहार के भोजपुर जिले में स्थित है। यह किला प्राचीन होने के साथ साथ ऐतिहासिक भी है और इसे स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कुंवर सिंह का निवास स्थान माना जाता है। यह एक 2 मंजिला विशाल इमारत है और सामने की ओर 2 बड़े टैंक हैं। मुख्य भवन के सामने बाबू वीर कुंवर सिंह की एक बड़ी प्रतिमा सीमेंटेड है। इस किले का परिसर विशालकाय है और भोजपुर जिले के आरा शहर का दर्शनीय स्थल है। पुलिस गश्ती की भी अब होगी GPS से मॉनिटरिंग। बिहार में आए दिन बढ़ रहे अपराध का एक ताजा उदाहरण बेगूसराय में हुए अंधाधुंध गोलीबारी है। इसके बाद बिहार पुलिस को हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है। वैसे तो पुलिस के कामकाजों की मॉनिटरिंग हो रही है लेकिन अब आपराधिक घटनाओं के बढ़ते मामले को देखते हुए पुलिस मुख्यालय और भी सख्त हो गई है और इसी के साथ अब पुलिस की गश्ती वाहनों की भी ट्रैकिंग होगी। गश्ती में लापरवाही करने वाले पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को न केवल सजा दी जाएगी बल्कि प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि उन्होंने कहां गलती की है। इसी तरह पैदल गश्ती करने वाले दल की भी मॉनिटरिंग की जाएगी और गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के न्यायालयों में निकली बंपर भर्ती। न्यायालयों में काम करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के जिला न्यायालयों में क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोच रीडर और अर्दली के 7,692 पदों के लिए सूचना प्रकाशित की गई है जिसके लिए आप 20 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए योग्यता की जानकारी अभी विभाग द्वारा नहीं दी गई है। इसका विज्ञापन सिविल कोच पटना के आधिकारिक वेबसाइट districts.ecourt.gov.in या पटना पर इसी महीने की 16 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि बिहार के न्यायालयों में लंबे समय के बाद इतने अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शायद यह कोशिश राज्य में 20 लाख नौकरियां और रोजगार सृजित करने के लिए महागठबंधन सरकार द्वारा की जा रही हो। इन 4 जिलों में बनेगी 28 सड़कें और 13 पुल। बिहार के इन 4 जिले गया, औरंगाबाद, जमुई और लखीसराय में सड़क संपर्क योजना से बैच 1 के तहत 2022-23 में 28 सड़कें और 13 पुल निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। मालूम हो कि यह 4 जिला उग्रवाद प्रभावित है। ऐसे में इन जिलों में सड़कों का निर्माण होने से पुलिस बल में आत्मविश्वास पैदा होगा, साथ ही रोजगार के नए साधन भी सृजित होंगे। इस काम के लिए 242.68 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय सड़क संरचना निधि से 8 जिलों की 120.18 किलोमीटर सड़क को चौड़ा करने और मजबूत करने के लिए लगभग 1,097 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बिहार के सैकड़ों तालाब का होगा जीर्णोद्धार। बिहार में मानसून महीने में पर्याप्त से कम हुई बारिश ने बिहार के सैकड़ों तालाब को मृत कर दिया है। मौसम की बेरुखी का असर सूबे के बड़े तालाबों पर भी पड़ा है। राज्य में 500 से अधिक बड़े तालाब बेकार हो चुके हैं। हालांकि अब राज्य सरकार ने ऐसे तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना बनाई है। अगले वर्ष तक सारे बड़े तालाबों की कायापलट हो जाएगी। लघु जल संसाधन विभाग ने इस योजना पर काम भी शुरू कर दिया है। कई तालाब अतिक्रमण के शिकार हैं। उनके अवैध कब्जे की जमीन को भी सरकार मुक्त कराएगी। मार्च 2022 तक 84 अन्य तालाबों को भी दुरुस्त किया जाएगा। इन साल 164 तालाबों को दुरुस्त करने की योजना है। शेष 290 को अगले साल जीर्णोद्धार किया जाएगा। तालाब के जीर्णोद्धार से पर्यावरण पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात कि सिंचाई के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था होगी।
मुख्यमंत्री ने सुधाकर सिंह को लेकर दिया बड़ा बयान। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने ही विभाग के अधिकारियों पर चोर होने का इल्जाम लगा रहे हैं और खुद को चोरों का सरदार बता रहे हैं। यह बात जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता चली तब उन्होंने बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सुधाकर सिंह से इस बात पर चर्चा की, लेकिन वो इस दौरान वहां से उठकर चल दिए। जब इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह के कैबिनेट बैठक से बीच में उठकर चले जाने की बात को स्वीकारा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पूछते रह गए कि कोई समस्या है तो बताइए। सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें खुद अपने सेक्रेटरी से पूछना चाहिए, उनसे अच्छा और कौन बता सकता है। परिवहन विभाग भी करेगा शराब की जांच। बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी ना ही लोग पीने से और ना ही इसके अवैध धंधे से बाज आ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर मद्य निषेध विभाग सख्त है और आए दिन शराब जांच का दायरा बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में शराबियों के खिलाफ पुलिस और मद्य निषेध के बाद परिवहन विभाग के पदाधिकारी भी कार्रवाई कर सकेंगे। फील्ड में तैनात रहने वाले परिवहन विभाग के 3 अलग अलग रैंक के अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार वाले जिलों में उत्पाद पदाधिकारी की शक्तियाँ दे दी गई हैं। परिवहन विभाग के अधीन जिला परिवहन पदाधिकारी DTO और मोटरयान निरीक्षक MVI अब तैनाती वाले जिलों में उत्पाद पदाधिकारी के तौर पर भी काम करेंगे। मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अगले 10 दिनों तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। बिहार में आखिरी वक्त में मॉनसून मेहरबान है। सितंबर महीने के आरंभ से ही राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू है। मौसम विज्ञानियों की माने तो अगले कुछ दिनों राज्य में बारिश होती रहेगी। फिलहाल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 10 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में झमाझम बारिश होने के आसार हैं। वहीं बीते दिन राजधानी पटना सहित अन्य हिस्सों में भी बारिश देखने को मिली है, जिसकी वजह से वातावरण बिल्कुल ठंडा हो गया है। वहीं किसानों के धान की फसल को फायदा होगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी आवास। बिहार सरकार साल 2024 तक और 500 अधिकारियों कर्मचारियों के लिए घर तैयार कर रहा है। इसके बाद उनका आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार करीब 225 अफसरों और कर्मचारियों को गर्दनीबाग में निर्माणाधीन सरकारी घर सौंप देगी। बता दें कि राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सरकार मेगा प्रोजेक्ट के तहत गर्दनीबाग में आवासीय कॉलोनी बना रही है। इस कॉलोनी में करीब 750 फ्लैट होंगे। हाल ही में भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि की अध्यक्षता में निर्माणाधीन आवासों की समीक्षा की गई है। राजद ऑफिस पहुंचे लालू यादव। लंबे समय के बाद बीते दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजद कार्यालय पहुंचे। लालू यादव के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी दिखे। दरअसल लालू यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी और खुला अधिवेशन को लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक में शामिल होने पहुंचे, जिसमें यह फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन अगले महीने की 9 तारीख को दिल्ली में होगा। 9 अक्टूबर को जंतर मंतर पर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जबकि 10 अक्टूबर को खुला अधिवेशन का आयोजन ताल कटोरा में आयोजित किया जाएगा। संजय जायसवाल का दावा यूरिया की हो रही है कालाबाजारी। भाजपा ने बिहार सरकार पर एक बार फिर से एक गंभीर आरोप लगाया और यह आरोप किसान से संबंधित यूरिया को लेकर है। दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि सिर्फ बिहार एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां की सरकार का कहना है कि पर्याप्त यूरिया उपलब्ध नहीं है, जबकि केंद्र से मांग से अधिक यूरिया बिहार को उपलब्ध कराया गया है। संजय जायसवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस साल पर्याप्त मात्रा में बिहार को यूरिया उपलब्ध कराई है, लेकिन उसकी कालाबाजारी यहाँ हुई है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में बिहार को 8.34 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता थी। इसके एवज में केंद्र सरकार ने 8.77 लाख मीट्रिक यूरिया सरकार को उपलब्ध कराई गई, जिसमें 7,64,000 मीट्रिक टन बेच दिया गया और अब बताया जा रहा है कि यूरिया की किल्लत है। गिरिराज सिंह का सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। बेगूसराय शूटआउट मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीच सड़क पर अधिकारियों की क्लास लगा दी। दरअसल मंगलवार को बेगूसराय में अंधाधुंध फायरिंग के बाद पुलिस के लाख दावों के बाद भी अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इस दौरान पक्षपातियों भी सरकार पर हमलावर हैं। इस घटना के बाद भाजपा ने बीते बुधवार को बेगूसराय बंद का आह्वान किया। इस दौरान बेगूसराय में धरना पर बैठे गिरिराज सिंह ने बीच सड़क पर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और कहा कि मृतक के आश्रितों को सरकार मुआवजा दे। गिरिराज सिंह का कहना था कि जब तक उनकी बात सरकार तक नहीं पहुँच जाती वे अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। गिरिराज सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी धरना पर बैठे गए।
वायरल खबर में आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा मिलने वाली 5,000 की राशि के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन लगवा लेने के बाद मिलने वाली 5,000 की राशि के बारे में। दरअसल PIV ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवा ली है उन्हें एक ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद प्रधानमंत्री जन कल्याण विभाग द्वारा 5,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। PIV ने इस दावे को फर्जी बताया और ऐसे किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से मना किया है। ADM KK सिंह को तत्काल प्रभाव से पद से हटाया गया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर पटना में लाठीचार्ज करने के आरोपी ADM KK सिंह को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें स्थानांतरित करते हुए अपने विभाग में ही योगदान करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले संबंधित ADM से DM ने स्पष्टीकरण की मांग की थी कि इसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। हालांकि बीते दिन KK सिंह ने इस पर मुख्यालय के समक्ष अपना स्पष्टीकरण दिया था कि उनकी मनसा तिरंगे को अपमानित करने का बिल्कुल नहीं था। भीड़ को इतर बितर करने के लिए उन्होंने डंडे चलाए थे। गौरतलब है कि पटना के डाक बंगला चौराहा के पास शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान हाथों में तिरंगा झंडा लिए एक अभ्यर्थी पर ADM ने ताबड़तोड़ लाठी बरसाई थी, जिससे वह व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गया था। इस घटना से संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद KK सिंह पर कार्रवाई की मांग शुरू हो गई थी। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के संविधान में संशोधन को मंजूरी दे दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कूलिंग ऑफ पीरियड से जुड़े संशोधन को मंजूरी दी है। इससे BCCI के लिए राहत माना जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को संविधान में संशोधन की अनुमति देते हुए कहा कि हमारा विचार है कि संशोधन मूल उद्देश्य को कमजोर नहीं करेगा। हम प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करते हैं। साथ ही अदालत ने कहा कि BCCI द्वारा प्रस्तावित संशोधन हमारे मूल निर्णय की भावना से अलग नहीं है और स्वीकार किया जाता है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बोर्ड अध्यक्ष सचिव और अन्य पदाधिकारियों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड से संबंधित BCCI के नियमों को बदलने के मामले की सुनवाई कर रहा था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारतीय उपन्यासकार शरत चंद चट्टोपाध्याय का जन्म 1876 को हुआ था। भारत प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार डॉक्टर राजकुमार वर्मा का जन्म 1905 को हुआ था। तमिलनाडु के प्रसिद्ध नेता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री CN अन्नादुराई का जन्म 1909 को हुआ था। परम वीर चक्र सम्मानित भूतपूर्व भारतीय सैनिक लांस नायक करम सिंह का जन्म 1915 को हुआ था। प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 को हुआ था। भारतीय अर्थशास्त्री शैक्षणिक और राजनीतिक कानून मंत्री और न्यायमूर्ति भारत के लिए सुब्रमण्यम स्वामी का जन्म 1939 को हुआ था। भारतीय अभिनेत्री राम्या कृष्णन का जन्म 1967 में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला ध्वजपोत INS 1948 में दिल्ली बम्बई के बंदरगाह पर पहुंचा। भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत 1959 में हुई थी और आज ही के दिन अभियंता दिवस और संचायिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है। जूम ने चैट ऐप का बदला नाम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूम ने घोषणा की है कि वह अब टीम वर्क और सहयोग बढ़ाने के लिए जूम चैट का नाम बदलकर जूम टीम चैट कर रहा है। मंच ने कहा कि उसने पहले ही जूम टीम चैट की क्षमताओं में महत्वपूर्ण निवेश किया है और यह इस महीने के अंत में और भी अधिक हो जाएगा। कंपनी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि हमारा व्यापक मंच लोगों के लिए स्थानों, जगहों और उपकरणों से जुड़ना आसान बनाता है। हमारे मंच की सफलता का केंद्र हमारा निरंतर टीम सहयोग और संदेश केंद्र है। कंपनी ने आगे कहा कि हम इसे जूम चैट कहते थे, आज हम आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर जूम टीम चैट कर रहे हैं ताकि भविष्य में लगातार संदेश भेजने और टीम वर्क और सहयोग को और बढ़ाया जा सके। बिहार में मिले COVID-19 के 100 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 66 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 497 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो बांका में 2, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 7, भोजपुर में 1, बक्सर, दरभंगा और ईस्ट चंपारण में 2, जहानाबाद में 4, कटिहार में 2, खगड़िया और मुजफ्फरपुर में 5, मुंगेर में 3, नालंदा, पूर्णिया और नवादा में 1, सीतामढ़ी, सहरसा में 2, सारण और सिवान में 1, वैशाली में 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 98,992 सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान 120 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सागर प्रजापति, मनीष कुमार, डॉक्टर आदित्य कुशवाहा, रामनवमी मांझी, अजय कुमार, पवन कुमार पंडित, कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, मदन कुमार पासवान और प्रमोद पासवान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भाजपा यह दावा कर रही है कि महागठबंधन सरकार आने के साथ ही बिहार में जंगल राज आ गया है, क्या आप भाजपा के इस दावे से सहमत हैं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।